नहटोर नूरपुर मार्ग पर पुलिस चेक पोस्ट के निकट भारत पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के पीछे ही स्वामी संजय अग्रवाल ने अपना घर बना रखा है। वह पंप से कैश एकत्रित कर अपने घर जा रहे थे। इस दौरान घर के गेट पर घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन्हें दबोच लिया तथा कैश से भरा थैला छीनने लगे, जिस पर पेट्रोल पंप स्वामी ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर उसका नौकर नरेंद्र मौके पर पहुंच गया। उसे देखकर बदमाशों ने फायरिंग करते हुए उसकी गर्दन पर छुरे से वार कर घायल कर दिया तथा थैला छीनकर फरार होने लगे। इसी दौरान शोर सुनकर सामने पार्टर्स की दुकान करने वाले नगर के ही इमरान व अन्य लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। अपने आप को घिरता देख बदमाशों ने एक के बाद एक फायर शुरू कर दी तथा इमरान को गोली मार घायल कर दिया। इस बीच बदमाश मौके का फायदा उठाकर भागने लगे, परंतु चौराहे पर तैनात सिपाही प्रभाकर राव ने लोगों की मदद से उनमें से एक को दबोच लिया। उधर घायल नरेंद्र व इमरान को लोगों ने आनंद फानन में CHC पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। पकड़े गए बदमाश ने पुलिस से पूछताछ में अपना नाम राशिद व अपने फरार साथी का नाम राजू और तीसरे का नाम विकास बताया। पुलिस ने संबंधित धाराओं के चालान कर राशिद को जेल भेज दिया। कैसे हुई इसके बारे में बताएंगे? मैं मेरा आदमी दोनों घर जा रहे थे, हम घर के गेट के अंदर घुस गए। जैसे ही हम गेट के अंदर घुसे दो आदमी हमारे पीछे पीछे भाग का, एक हाथ में तमंचा था, एक हाथ में चक्कू खुला हुआ था। मैं थोड़ा सा चार कदम आगे था, मेरा आदमी ये पीछे था, तो पहले दोनों ने इसके वार कर दिया और फिर मेरे पर तमंचा तार के मेरे पीछे भागने की कोशिश करी, तो मैंने पहला घुमा के जो है उसके मारा, तो लड़का आगे गिर गया। मैंने रोक मचाई तो सारे चौराहे के लोग भाग के आए, चौराहे से लोग भाग के आए, गाड़ी के सामने से भाग के आया, दुकान पर से सब लोग भाग के आए। उन्होंने भागते भागते तीन चार पैर करे, हम चौराहे तक आए। उसके बाद कितने लोग थे वो लोग हमारे पास? हमें तो दो ही आदमी थे, मेरा वो थे मेरे ख्याल से चार पाँच। पैदल थे या वो किसी गाड़ी वाले? कुछ नहीं, पता नहीं, पैदल ही थे। क्या नाम तुम्हारा? राशिद। तुम्हारा बताओ? राशिद। बाप का नाम? जाहिद। कहाँ के रहने वाले हो? अल्लापतियाबाड़ा। ये कौन जिले में है? ये हल्दौर रोड पे। हल्दौर थाने में है? नहीं, चांदपुर थाने में। चांदपुर थाने में। दूसरा कौन था? दूसरा राजू। राजू, बाप का नाम? शब्बीर। वो कहाँ का रहने वाला है? वो दिल्ली का है। दिल्ली कौन जगह? मुस्तफाबाद। हैं? मुस्तफाबाद। अच्छा, और भी था कोई साथ में? जी, एक विकास नाम का लड़का था। हैं? विकास नाम का लड़का था। विकास कहाँ का है? ये भी दिल्ली का ही है। विकास के बाप का नाम? उसके विकास के बाप का नाम मुझे मालूम है। वो भी दिल्ली का ही है? जी, दिल्ली। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? ये भी वहीं रहते हैं, मुस्तफाबाद। अच्छा अच्छा, तो ये तुम्हारी प्लानिंग पहले से थी या कब बनी? 10-15 दिन पहले से थी। अच्छा, यहाँ का कोई है आपके साथ में? नहीं, यहाँ का कोई नहीं। फिर आपको कैसे है? मैं यहाँ भी 20 दिन पहले मौत हो गई थी, रिश्तेदारी में आया था। हाँ, तो मैं यहाँ से तेल डलवाने गया पेट्रोल पंप पे, मुझे तेल गाड़ी में अपनी कम दिखाई दिया, तो मैंने 70 रुपये का तेल डलवाया उसमें और 10 रुपये की वही आइसक्रीम खाई, तो मुझे लाला जी पैसे भरते हुए दिखाई देगा थैले में। वहीं तभी से आपके दिमाग में जो है वहीं से लालच आ गया, तभी से लूट का लालच आ गया है जी। फिर ये लड़का जो है का नाम राजू, ये अभी 10 दिन पहले मेरे पास आया था। ये इसने मुझसे कहा, भाई कोई काम हो तो मुझे बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, मैंने इससे कहा, भाई मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं मांग आया था मौत में, एक बार तेल डलवाया था, ऐसे ऐसे काम है। उन्होंने कहा कि भाई हम 4-6 दिन में आएंगे, मोटरसाइकिल ले आएंगे, हाँ, और एक तपन चले आएंगे, तुम गाड़ी चला लियो और पैसे उनसे ले लेंगे। कौन सी गाड़ी चलाई थी? गाड़ी अपाचे थी। अपाचे कौन चला रहा था? अपाचे वो चला रहा था विकास। विकास जी कहाँ खड़ा था वो? वो जहाँ पे फलों के फ्रूट के ठेले खड़े रहते हैं उधर खड़ा था। अच्छा, लूट करते तो वो वहाँ से बैठ के आप सीधे निकल जाते हैं,